में जनाब हमने 1 से 1.5 गिलास पानी का डाल दिया है। अब इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको हल्की सी आंच पे पकाने। आलू बैंगन के ऊपर हम लोग ना लेमन डाल दिए साथ में। चला यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गर्मियों सर्दियों में इतना गर्म गर्म खाना मिले तो समझ ले आप कुछ नसीब है। ठीक है ना, अब आपको मैं चेक करके। अब इतना गुस्सा क्यों आ रहा है मेरी प्यारी सी जान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हुमा काशी व्लॉग्स। उम्मीद करती हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे और बहुत अच्छी जिंदगी बसर कर रहे होंगे। तो जनाब आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि आपने भी देखा है कि मैं किचन में हूँ, तो किचन में आज कुछ ना कुछ पकाने के लिए आ गए हैं। तो उसकी जो तैयारी थोड़ी हमने बाहर में कर ली थी, अब सिर्फ किचन में रख चूल्हे करने के ऊपर रखते हैं। बताते हैं कि आज क्या बना रहे हैं। आज बन रहे हैं हमारे घर आलू बैंगन। उसके लिए सारे धो के हमने रख रुख दी हैं। तो जनाब किचन में मैं आ गई और आलू बैंगन की रेसिपी आपके साथ शेयर करनी, जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं। इतने को यम्मी, इतने मज़ेदार, डिलीशियस, टेस्टी, जो मर्जी कह लो, इतने मज़े के बनते हैं ना। इसी रेसिपी के साथ अगर आप लोग बनाएंगे ना, इंशाल्लाह तआला आपके मज़ेदार बनेंगे। बाकी जो जो इसकी ट्रिक्स हैं ना, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आपके भी अच्छे बने और मज़े के बने। बाकी कपड़े धो के दरवाजे पर डले हैं, वो धोए हैं बच्चों के कपड़े। इधर जो है साथ हमारे बनेंगे आलू बैंगन के साथ चावल बनेंगे। ये धनिया साफ करके इधर रख लिया है। ये इधर रुमाल पोना, जो इसको कहते हैं, कोई कंदूरी कहते हैं, कोई रुमाल कहते हैं, कोई पोना कहते हैं, वट एवर जो बंदा जो भी कहता है, पोने भी धो के रख लिए हैं। तो जनाब अब आलू बैंगन की रेसिपी ईजी आपके साथ शेयर करते हैं। इंशाल्लाह इस तरीके से बनाएंगे, इंशाल्लाह आपके बहुत मज़े के बनेंगे। तो आलू बैंगन जनाब चूल्हे की तरफ आ जाते हैं। पहले जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मम्मा? ठीक है? हाँ ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। और सुनाए तबीयत कैसी है? तबीयत बिल्कुल ठीक। तो आज आलू बैंगन की रेसिपी फिर शेयर करने लगी हैं। हाँ जी, आज बच्चों ने कहा हमने वो आलू बैंगन और चावल खाने। हाँ जी, मैंने कहा चलो ये कौन सा मुश्किल काम है। हाँ जी, आसान सी ये रेसिपी है, अभी बना के आप ही दिखाते हैं और बताना आप लोगों को आपको पसंद आएगी नहीं। तो जनाब इसी तरीके से बनाएंगे, इंशाल्लाह तआला भी घर वाले भी पसंद करेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि इतने आलू बैंगन हमने नहीं खाने, सब खाएंगे, मज़े से खाएंगे। तो जनाब सबसे पहले इसमें डाल दें घी, ऑयल डालें, घी डालें, जो आप डालते हैं वो डालें बीच में। तो सबसे बड़ी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आलू बैंगन में घी और जो ऑयल आप लोग जो भी यूज़ करते हैं वो खुला डालें, ज़्यादा डालें। क्योंकि पहले हल्दी, बाकी रेसिपी शेयर कर लें, थोड़ा तरती हल्दी डाल दी बीच में, 1.5 चमची हल्दी की है, 3 चम्मच मिर्चा, 1.5 किलो बैंगन है और 1.5 किलो आलू है। अच्छा जी, अरे दो चलो, और 3 चमची मैंने मिर्चा की डाल दी है, 1.5 हल्दी की डाल दी है और 3 नमक। प्याज डाले हैं 2-3 डाले हैं, हरी मिर्च डाली हैं 6-7, बाद में 3 चम्मच हमने लाल मिर्च के डाले हैं, 3 चम्मच हमने नमक के डाले हैं और 1 चम्मच हमने हल्दी का डाला, 1.5 चम्मच 1.5 चम्मच हल्दी का डाला। तो जनाब बीच में हमने कितने ग्लास पानी डाला ये भी तो बता दो। 1 ग्लास पानी डाला बीच में, कितने ग्लास पानी डाला? 1 ग्लास पानी डाला। हाँ जी, अच्छा जी, इस बीच में हमने डाला तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी। तो बीच में जनाब हमने 1 से 1.5 गिलास पानी का डाल दिया है। अब इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको हल्की सी आंच पे पकाने, बहुत तेज़ आंच पे भी नहीं पकाना, ना बहुत कम आंच पे पकाना है। अब इसको हिला रहे ना, हिला के तो बहुत दम पे रहा। तो
अब इसको ये यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम दोनों क्या कर रहे हो? What's wrong with you guys? उस्मान एलीवे बाकी जनाब किचन की सफाई और नीटनेस आप लोग देख सकते हैं। और ये दोनों बच्चे गन डाल रहे हैं हमेशा की तरह। उठ जाओ यहाँ से, बाहर आ जाओ अलीदे, आ जा मेरी बेटी बाहर आओ, आ जाओ हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ा देना, पकड़ा दो। चल उतने ही मज़ेदार बनेंगे, उसकी रौनक सी आ जाएगी अगर आलू बैंगन के अंदर आपने सब कुछ चीज़ें परफेक्ट डाली हैं। लेकिन अगर बीच में आपने घी कम डाला है तो सारी आप लोगों की कढ़ाई मेहनत बर्बाद हो जानी, आलू बैंगन काले काले हो जाने। तो जनाब अगर घी खुला डालकर थोड़ा एक डेढ़ ग्लास पानी डाल के सारी चीज़ें इकट्ठी रख देंगे ना, तो इस तरीके से आपके आलू बैंगन बहुत बहुत मज़ेदार बनेंगे। तो जनाब अब इधर चावल साफ हो रहे हैं, वैसे चावल साफ ही हैं लेकिन एक नज़र मार लेते हैं, ऐसे इस तरह के कंकड़ कभी कभी निकल आ ही जाते हैं। एक साइड पे हमारे चावल बनना शुरू हो गए हैं, एक साइड पे हमारे आलू बैंगन पक रहे हैं। तो चावल भी आज के दिन हमारे 2 किलो चावल पकने हैं क्योंकि फैमिली मेम्बर्स थोड़े से ज़्यादा हैं। तो बाकी इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस पर लाइक करें, इस पर कॉमेंट करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल हम आकाशी व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप तक मेरी न्यू वीडियोज़ जल्द से जल्द पहुँचे। जल्दी कोशिश करनी है कि बना लेंगे। किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगी है और वो किसको भूख लगी है वो आप लोग थोड़ा सा जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो तो समझ आ गई होगी किसको भूख लगी है। निजीली दे मेरा पीजू माद भाई, थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। हाँ जी क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि PSL सीट पे आ गया। अच्छा। दिसंबर 8 ड्राफ्टिंग थी क्योंकि 13 तारीख को आज प्लेयर सिलेक्ट होने थे ना, तो देख रहा था लाहौर की टीम में कौन कौन सा प्लेयर आएगा। तो फखर जमान का मसला था कि इस बार फखर जमान को उन्होंने शायद नया लेते लाहौर कलंदर वाले, लेकिन मैं अकेले हूँ, बड़ा खुश हूँ इसलिए आज मैं अलीज़े और उस्मान पीछे है, ये प्यारा सा बच्चा पीछे है ना। और ये कौन आया अंदर रो रहा रोता हुआ बच्चा रोंदू, ये रोंदल बच्ची आ गई अंदर, रोंदल कितनी कोजी लाग रही है, इन्नी पाली बच्ची है ये तो मामा, मैं इन्नी पाली छोनी काकी हूँ। ये देखो ये गंदा बच्चा है, ये गंदा बच्चा है, ये तो पाली बच्ची है, लीजिए पाली काकी है, मेला गना काका आ गया, मेला गना काका आ गया। क्या आ रही है? नींद आ रही है। क्या आ रहा है? तो सो जाओ, नींद आ रही है तो सो जाओ, कह रहा मुझे नींद आ रही है। एक्टिंग कर रहा सोने की, नींद कोई नहीं आ रही, से नींद आ रही है, है? आप तो चुप कर जाओ, आपने भी शोर मचाया है। ये देखो जनाब सार नहा तो हो गए, साफ सुथरे कपड़े पहन के शूज पहन के बेड के ऊपर चढ़ा है, ये तो इसके हाल है। चल नीचे उतर जा, दफा हो जा नीचे। वो देखो अपने घोड़े के साथ लगी है लीते, देखो मैंने उठाया तो वो चुप कर गई, तब से कह रही थी मुझे उठाओ। तो जनाब मैंने अपनी छोटी सी बेटी, प्यारी सी बेटी को उठा ली है और वहाँ भी मेरी बड़ी बड़ी जेलस हो रही है। अलीदे हाँ जी, ये लेमन और धनिया जो है रखती है आलू बैंगन के ऊपर, हम लोग ना लेमन डाल के खाते हैं, बहुत मज़े का लगता है। वहाँ पे चावल दम पे लगाने लगे और यहाँ पे जनाब हमारे जो
ना अब इसके ऊपर लीमू का जो रस है ना लेमन जूस वो हम इसमें डाल रहे हैं और इस तरह इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। अच्छा जी लेमन जो स्क्वीज करके हमने बीच में डाल दी इसका लीमू का रस। अब भी बीच में हम डालेंगे एक कोरिएंडर यानी कि धनिया चावल खिलाऊंगी साथ में ये बार बार फीडर मांगते। हाँ जी सोने लगी हो आप? सोना नहीं है वो बेचारी आंटी मेरी छोटी बेटी को लेके फिर रही कभी अंदर कभी बाहर मेरी छोटी बेटी को गानिया को ये गानिया की मामा है गानिया की नानो है। इन्होंने गानिया को बहुत संभाला है जितने दिन ये हमारे पास है ना दिन रात गानिया के पीछे लगी रहती है और मेरी जान छुटी हुई है थोड़ी सी। ये क्या बात है आप सोने की कोशिश ना करो उठ जाओ अभी सोना नहीं है। माय स्वीट माय क्वीन अच्छा जी वहाँ पे हमाद भाई बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कदो रोटी खुले। हमाद भाई नु बहुत ऐसा बहुत अंत दी भूख लगी हुई अंत दी ते अखीर भूख लगी है भूख वाकई बहुत लगी है। वो जो खाना देने वाली माई है ना वो उसको सर्दी नहीं लगी देखो बैठी है देखो कैसे जाओ सुधर गया साली मैं तो क्या लाऊंगी लीजे डोंट ट्राई टू स्लीप लीजे get up right now don't try to sleep khada kar khada kar nano kya keh rahi lede ho khada karo isko uthao niche jao khada ali the rice khane hai aapne hain nahi to gussa kis cheez ka aa raha hai aap kitna gussa kyun aa raha hai meri pyari shijan। अच्छा जी अब जल्दी जल्दी आलू बैंगन और चावल बनते हैं और हम खाते हैं और क्योंकि सब लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा भूखे हैं और आंटी मेरी जो है ये अभी खोल के टिकटॉक देखेंगी प्यारे प्यारे। कितनी देर है मम्मा? चलो अच्छा जी अब हम किचन में आ गए हम देखते हैं हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग जना अभी आलू बैंगन आय हाय हाय जबरदस्त क्या की जो ये चावल है ना ये वाले आलू बैंगन चावल पर डालकर खाने का इतना मजा आता है क्योंकि चावलों की बनाई इसलिए हमने थोड़ी सी उसको ना यानी कि इस तरह रखेंगे चावलों के साथ हम लोग अच्छे तरीके से खा सकें बिल्कुल सख्त भी नहीं है ना ज़्यादा नरम है नॉर्मल से हमने बनाए हैं। तो जनाब ये माशाल्लाह चावलों का भी दम खुल गया तो जल्दी चावल पाओ लहजे पाओ तो सामू खुआओ। अच्छा जी अच्छा ओके हो गया ओके हो गया गर्मियों सर्दियों में इतना गर्म गर्म खाना मिले तो समझ आप कुछ नसीब है ठीक है ना। अब आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ इतनी इज्जत सुभान अल्लाह इतनी इज्जत तो ऐसे ससुराल में मिलती है आपको अपने घर में मिल रही है वो भी डेली हॉट है उस्मान हॉट है ये चीज़ चावल देखो माशाल्लाह सुभान अल्लाह तो मजा आ जाएगा। तो जनाब ऐसे आलू बैंगन कभी आपने खाए नहीं होंगे ना ही कभी देखे होंगे। देखें जैसे ये तह लगी है ना ये देखें ये तह लगी है और ये तह लगी है वैसे इधर भी तय लगेगी ये तय और ये तय थोड़ी देर बाद इधर हो अभी आप देख रहे हैं बाद में आपको नजर नहीं है
लेकिन जनाब इसके पेड़ में जितनी मर्जी तहें लगे, इसके पेड़ ने साथ ही लेना बिल्कुल स्ट्रेट। तो माशाल्लाह ऐसे बंदों की बड़ी खुशकिस्मती हो देखो, जो भी खाएं उनको लगता ही नहीं है। और हमारे जैसे बंदे पानी भी पी लें तो हमें अगले दिन हमारा 2 किलो वेट बड़ा होता है। तो इधर से देखें जरा, 2 प्लेट्स जा रही हैं, ज़बरदस्त जी ना। एक एक चमची डाल के खाने का मज़ा नहीं आता, मैंने कहा ये तो भाई सारे हाथ पैर में डाल दें ताकि और मज़ा आ जाए। उधर गानियाँ भी रो रही है, वाला था बंगाली वाला, बंगाली क्योंकि मैं साउथ इंडियन बड़े शौक से देखता हूँ, तो उनका वाला ये साउथ इंडियन वाला जबरदस्त। मेरे पीछे आ गई, अब मैं इसको गोदी में बैठाती हूँ, साथ में खुद भी खाना खाती हूँ और इसको भी खिलाती हूँ। मुझे आ गई, अच्छा ली गानी क्या हो गया है, चुप कर जा मेरा बच्चा। चल माँ मेरी भी तो बनाओ, कसम से बहुत मजे के, ये नहीं ब्लॉग बन रहा है, कसम से बहुत मजे के, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आलू बैंगन और चावल माशाल्लाह सबको बहुत पसंद है, मामा ने बहुत मजे के बनाए हैं, तो मैं भी इनके साथ सीख रही हूँ कुकिंग कैसे करते हैं। तो मैं भी जो जो चीज़ें मुझे आती हैं इनसे मैं सीखती रहती हूँ, कभी कभी मैं भी बना लेती हूँ लेकिन मोस्टली यही बनाती हैं, तो हम लोग मिलजुल के सारे काम वगैरह कर लेते हैं। तो बाकी माशाल्लाह आलू बैंगन और चावल इतने मज़े के हैं ना, बस मैं थोड़ा सा बैठ के ठंडी हो जाए, सारे बच्चों को भी खिलाएं और खुद भी खाएं। और आसमान मेरे बालों के ऊपर पाँव दे गई। अच्छा जी, अब इस मैडम को देखें जरा, पहले ये खैर से रोती रही है जब मैं खाना खाने लगी या जब मैं वीडियो बना रही थी, तो अब जब मैं खाना खा के आराम से बैठ गई वीडियो नहीं बना रही थी तब सो गई है। यही बच्चों का हाल है, बड़े कहते होते हैं कि जब माँ खाना खाने लगती है ना बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, साथ में बच्चे को भी भूख लग जाती है। तो वाकई ये रियलिटी है कि माँ कोई काम करे या खाना खाने लगे तो बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, जब माँ फारी होती है तो बच्चे खुद भी सो जाते हैं। ये मेरी प्यारी स्वीट हार्ट है, मेरी स्वीटू, मेरी पाली गानी है, गानी बाद अब चाय बन रही है और पत्ते डाल दी गैस जा चुकी है, तो सिलेंडर हमने ऑन कर लिया। माशा तो क्रीम बनने वाली है, अब मैं आपको यहाँ से ऊपर का सीन दिखाती हूँ सारा। ऊपर एक पोर्शन बना है हाफ, आपने जो पहले देखा ही ऊपर जाके हम लोग कुकिंग करते रहे, बाकी पीछे से देखने ऊपर वेंटिलेशन आगे। अब यहाँ से निकाल लेते हैं कप, इस कप में मैं चाय पीऊँगी, मेरे ज़्यादा पीने को दिल कर रहा है, बड़ा कप मैंने पकड़ लिया, बाकी घर वालों के लिए छोटे छोटे कप पकड़ लेते हैं। तो जनाब चाय जो है मुझे बड़े कप में अपने मिल गई है, और भाई अभी बाहर से आया था तो मीठी मकई लेके आया, तो सर्दियों में कौन कौन मीठी मकई जो है पसंद करता है काइंडली कॉमेंट्स में बताएं। और जनाब उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी, मेरी आज की रूटीन पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल हुमा काशिफ व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक मेरी न्यू वीडियोस पहुँचें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जनाब व्लॉग को करते हैं यहाँ पर ख़त्म, कल मिलेंगे आपको एक नए व्लॉग के साथ, एक नए रूटीन के साथ। हुमा काशिफ को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।